दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज हम आयुर्वेद के नवरत्न कहे जाने वाले पेड़ पौधों का नाम हिंदी और इंग्लिश में एक एक करके जानेंगे। आज हम उन सभी औषधीय पौधों के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास में ही मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनके गुणों के बारे में नहीं जानते। हमारे जानकार लोग या वैद्य इनके गुणों के बारे में अच्छी तरीक़ा से जानते हैं और इनसे जड़ी बूटियां और इनसे बनी दवाइयों से हजारों बीमारियों को छूम अंतर करके ठीक कर देते हैं। ये बीमारियों को ठीक करने में रामबाण जैसे काम करता है। आज हम उन्हीं पौधों के बारे में एक एक करके हिंदी और इंग्लिश में उनका नाम जानेंगे। आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है नीम। नीम के पेड़ में हजारों बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। नीम से बनी दवाई से कैंसर तक को भी ठीक किया जाता है। नीम के पेड़ को इंग्लिश में नीम ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है आंवला का पेड़। आंवला के पेड़ को इंग्लिश में गूसबेरी ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है हरड़ का वृक्ष। हरड़ के वृक्ष को इंग्लिश में टर्मिनेलिया चैम्बुला बोला जाता है। घृत कुमारी या एलोवेरा का पौधा, इसे इंग्लिश में एलोवेरा प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है तुलसी का पौधा, इंग्लिश में इसे हॉली वेजिल प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है चिरैता का पौधा। चिरैता के पौधा को इंग्लिश में चिरैता प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है गिलोय का पौधा। गिलोय के पौधा को इंग्लिश में गिलोय या हियर्ट लिव्ड मूनसीड बोला जाता है। नेक्स्ट है लौंग का पौधा। लौंग के पौधा को इंग्लिश में क्लॉब प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है अदरक का पौधा। अदरक के पौधा को इंग्लिश में जिंजर प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट है हल्दी का पौधा। हल्दी के पौधा को इंग्लिश में टर्मरिक प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है लहसुन का पौधा। लहसुन के पौधा को इंग्लिश में गार्लिक प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है अजवाइन का पौधा। अजवाइन के पौधा को इंग्लिश में कॉर्न प्लांट या अजवाइन प्लांट बोला जाता है।